पार्टी वहां काम चुकी है, एक ऐसी पार्टी जिसके नेता आज ड्रग्स, शराब, हर तरह का नशाखोरी, हर तरह के अपराधीकरण में शामिल है। एक माफिया जैसे कि इस देश, इस राज पंजाब के ऊपर राज कर रहा हूं। और यही कारण है कि जो अभी मोगा में घटना हुई, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। जब ऐसे लोग, ऐसा नेतृत्व जो कि अपराधीकरण में पूरी तरह से लिप्त हो, जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो, जिसने माफिया राज पूरे पंजाब में चला दिया हो, अगर ऐसे लोग राज के ऊपर शासन करेंगे तो ये सब तो होना ही है। अगर ऐसे लोग बस कंपनियां चलाएंगे, ऐसे लोग होटलों पे कब्जा करेंगे, ऐसे लोग सारी व्यवस्था पर कब्जा करके बैठे रहेंगे तो ये सब होना है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिससे पूरा देश आघात है, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, पूरा देश आघात है। पर आज सबको उठकर इसका नोटिस लेना चाहिए कि कैसे लोग, किस तरह के लोग आज व्यवस्था के ऊपर काबिज हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, आज पूरे देश में क्या हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है, ये भी पूरा देश देख रहा। पिछला चुनाव जो हुआ पिछले साल लोकसभा का, उसमें पंजाब ने तो बहुत बहादुरी दिखाई। पंजाब ने पहचान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा वही है जो इन बाकी पार्टियों का है, लेकिन बाकी देश भ्रमित हो गया। बाकी देश भ्रमित हो गया, वो ये सोचने लगा कि भाई कांग्रेस का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उसका विकल्प मोदी जी हैं। लेकिन पिछले करीब करीब एक साल हो गया मोदी की सरकार आए हुए, मोदी की सरकार ने और भाजपा की राष्ट्रीय सरकार ने क्या किया आम आदमी के लिए, क्या किया? अगर आज आप देखें कि क्या क्या हो रहा है, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है उसको दूर करेंगे, काले धन को वापस लाएंगे। क्या भ्रष्टाचार दूर हुआ? क्या काला धन वापस आया? अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो जो संस्था बनाई गई थी, सबको आज सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा। सीबीआई में ऐसे आदमी को की नियुक्ति कर दी गई जो बिल्कुल लचर, और वही जो पिछले निर्देशक थे जो बिल्कुल भ्रष्ट निकले, जो अपने घर पर सैकड़ों बार उन्हीं लोगों से मिलते थे जिनकी वो जांच कर रहे थे, उन्हीं के तरह के, काफी हद तक उन्हीं के तरह के एक आदमी को वहां नियुक्त कर दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कि सीबीआई के ऊपर निगरानी रखने के लिए कहा गया है, उसमें पिछले 8 महीने से कोई चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने दी गई, एक आदमी सिर्फ वहां पर काबिज है और उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को करीब करीब पूरी तरीके से विफल कर दिया गया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया था, उसमें भी कोई चेयरमैन नहीं नियुक्त किया गया है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसको भी करीब करीब पूरी तरह से विफल कर दिया गया। न्यायपालिका को भी सरकार के कब्जे में लाने की कोशिश करी जा रही, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें कि न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का चयन न्यायपालिका से छीन के सरकार के कब्जे में लाने की कोशिश करी जा रही। जो जो रिफॉर्म्स प्रॉमिस करे गए थे, लोकपाल का गठन नहीं किया गया, ये हमको आश्वासन दिया गया था कि चाहे लचर ही सही, वो लचर लोकपाल मिल पाए
लेकिन वो लोकपाल को भी आज तक कार्यान्वित नहीं होने दिया गया। काले धन की बात करी जा रही थी, काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाई थी, उसका क्रेडिट लेने के लिए मोदी सरकार बार बार कहती है कि हमने तो आते ही SIT बना दी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बनाई गई। लेकिन जो कुछ करना चाहिए था, जैसे कि मैंने जैसे ही मोदी सरकार आई थी पिछले साल के जून के महीने में मैंने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को कि देखिए अगर आप काले धन को रोकने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीजें तुरंत करनी पड़ेंगी। पहला आपको ये करना पड़ेगा कि जो काले धन के जो स्रोत हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं इसको रोकना पड़ेगा, यानी कि जो पैसा बाहर जाता है वो वहां से रिसाइकल होकर वापस हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो जाता है ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जिसमें कि ये नहीं कोई पता लगा सकता कि ये पैसा किसका है। पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए आप इसमें स्टॉक मार्केट में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी को पता नहीं लगेगा कि किसका पैसा है। इसी तरह से टैक्स हेवंस यानी कि मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, इस तरह के देशों में कंपनी आप रजिस्टर करा के उसके थ्रू पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर ले, उसमें भी किसी को नहीं पता लगेगा कि किसका पैसा है। तो जो काला धन बाहर गया है वो सारा लॉन्डर होके वापस हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो जाता है, उसको रोकने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। उसके लिए ये तरीका है कि आप एक कानून या रिजर्व बैंक के द्वारा एक नोटिफिकेशन पास कर दें कि कोई भी जना अगर हिंदुस्तान में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा किसका है। कोई एनोनिमस इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट का हिंदुस्तान में अलाउड नहीं होगा। आसानी से किया जा सकता था लेकिन साल भर हो गया, इस पर कोई पहल नहीं करी गई।